हाय गाइस, वेलकम। ऑलवेज बी हैप्पी हैप्पी मूड में। जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एडसन की पिन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पिन अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन चांस होते हैं कि किस तरह पिन को अप्लाई किया जाता है। अगर तीन बार वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो और भी मेथड होते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट और लॉन्ग होते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह एक ही बार एडसन की पिन पर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम करते हैं बिना। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जब हमारे एडसन पर $10 रेवेन्यू में शो होते हैं तो यहाँ पर एक्शन बटन ओपन हो जाता है। तो हम उसको पिन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इधर हम ये देखेंगे कि हमारे आईडी कार्ड का नाम और एडसन का नाम मैच है। अगर नहीं मैच तो हम उसे ठीक करेंगे। पेमेंट पर क्लिक कर एक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर एक्शन पर क्लिक करने के बाद हम नीचे देखेंगे यहाँ मैनेज सेटिंग में कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का नेम सेम है या नहीं। अगर नहीं सेम तो हम इन्हें चेंज करेंगे। ये हमारे डॉक्यूमेंट के तकरीबन मुताबिक ही हैं। हम अब करेंगे पिन के लिए अप्लाई। यहाँ पर दो मेथड होते हैं, अगर एक मेथड काम ना करे तो फिर दूसरे मेथड पर वर्क करते हैं। तो मैं अब एक्शन पर क्लिक करूँगा। एक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे वेरीफाई नाउ पर। यहाँ पर हमें पूछेगा कि आईडी कार्ड यहाँ से पेंसिल बनी होगी। अगर नाम एड्रेस वगैरह चेंज करना होगा तो हम यहाँ से नाम एड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे वेरीफाई नाउ, यहाँ से हमें पूछते हैं कि आप लोग इन ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये तीन चीज़ों में से कोई भी एक भी पिक अपलोड कर सकते हैं। हम नीचे अपलोड लिखा होगा यहाँ पे क्लिक करूँ। ये दरअसल पहला मेथड है, इसमें कम टाइम ही ये पिन के लिए अप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। जो न्यू मेथड है उसका भी मैं आपको बताऊँगा, इसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पर इसे क्लोज़ करेंगे। हम जाएंगे दोबारा न्यू टैब ओपन करेंगे यहाँ पर और गूगल में जाकर जीमेल लिखेंगे। हमारे सामने जीमेल ओपन हुआ। अब जीमेल पर क्लिक करेंगे। ये मेथड न्यू है, इससे पिन की वेरीफाई लाजमी हो जाती है, चाहे एक्शन बटन भी तीन बार फेल हो। यहाँ से पिन के लिए लाजमी अप्लाई किया जाता है। लोडिंग हो रही, नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से लोडिंग ज़्यादा देर ले रही है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। सबसे पहले जाएंगे हम अपने जीमेल के लोगो पर। जीमेल के लोगो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इधर जाएंगे मैनेज एंड अकाउंट एक्टिविटीज। वहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे पेमेंट, नीचे से पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद हम इधर जाएंगे मैनेज पेमेंट मेथड पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब हम जाएंगे सेटिंग पे, यहाँ पे वेरीफाई क्रिटिकल
पर वेरीफाई योर आइडेंटिटी वेरीफाई नाउ करें। वेरीफाई नाउ करने के बाद हम यहाँ पर अपना आईडी कार्ड वगैरह आसानी से अपलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे हम जाएंगे अपलोड पे, अपलोड पे क्लिक करना। यहाँ पर हमारी पीसी में जो पिक पड़ी होगी आईडी कार्ड की, उसे ओपन करेंगे टिक करके। ओपन करने के बाद अपलोडिंग हो रही है आईडी कार्ड जो मैंने अपलोड किया पिन के लिए, और नीचे सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर हमारे सामने इस तरह का आ गया कि आपकी वेरीफाई पिन के लिए कुछ दिन लग सकते हैं, तो गॉट इट करना। गॉट इट करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी, डन। हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम अपने जाएंगे जीमेल अकाउंट में वापस, और वहाँ से देखते हैं कि हमें जीमेल आया है या नहीं। चलिए हम जीमेल इनबॉक्स में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर बाद या थोड़े दिनों के बाद आपके पास जीमेल आइडेंटिटी गूगल एडसन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जीमेल आ जाएगा। वीडियो के लिए